बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे नेता श्री जीतू पटवारी जी, आपके लोकप्रिय विधायक भैरव सिंह जी बापू, हमारे पूर्व मंत्री श्री प्रेमराज जी, पूर्व सांसद नारायण सिंह जी, पूर्व मंत्री हमारे हुकुम सिंह कराड़ा जी, पूर्व विधायक हमारे अम्बातिया जी, उपस्थित हमारे सभी आगे हमारे पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी, बापू सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आगर के और राजगढ़ के आदरणीय सभी देवी और सचिव, मेरे पूर्व वक्ताओं ने रोडमल नागर जी क्या है वो बता दिया, जीतू पटवारी जी ने भाजपा क्या है वो बता दिया, कुणाल चौधरी जी ने अपने भाषण में सारी बात कह दी, अब मेरे पास एक चीज बची कि दिग्विजय सिंह क्या हो गया आपको। लोगों ने कहा, भाजपा के लोगों ने, कि देखो कांग्रेसियों को कोई जवान उम्मीदवार राजगढ़ से नहीं मिला तो बूढ़े को खड़ा कर दिया। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप पदयात्रा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा इसलिए कर रहा हूं कि भाजपा के लोगों को बता दूं कि 77 साल में भी बूढ़ा 21 किलोमीटर चल सकता है। मैं एक बात कहना चाहता था, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो कहा है सो किया है, जो मैंने वादे किए हैं वो निभाए हैं। मैं जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था तो मैंने वादा किया था किसानों को मुफ्त में बिजली दूंगा, मुख्यमंत्री बनने पर दी के नहीं थी, 10 साल तक दी। मैंने वादा किया था गरीबों के घर में मुफ्त में बिजली दूंगा, दी के नहीं थी। मैंने वादा किया था कि पंचायती राज में पूरा अधिकार दूंगा, दिया के नहीं थी। आपके गांव के बच्चों को शासकीय नौकरियों में अलग से 15% और बहुमत देने का मैंने वादा किया था, दिया के नहीं थी। आपके बच्चों को शिक्षक कर गई, पंचायत कर गई, हमारी महिलाओं बहनों को आंगनबाड़ी, जन स्वास्थ्य रक्षक ने इतना बढ़िया काम किया कि कोविड के अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो गए, लेकिन झोला छाप डॉक्टर जन स्वास्थ्य रक्षकों ने खूब सेवा की। फिर मैंने वादा किया था कि अगर 2003 में मैं सरकार कांग्रेस की नहीं बना पाऊंगा तो 10 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे मैंने 10 साल तक मुझे कई बार कहा केंद्रीय मंत्री मंडल में आ जाओ, राज्यसभा में आ जाओ, मैंने मना किया था, क्योंकि मुझे मेरे लिए आज विश्वसनीयता राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है। भाई राजनीतिक व्यक्ति जनता के बीच में जब वादा करता है उसको निभाना चाहिए, ऐसा नहीं कि चुनाव आया वादे कर दिए नहीं निभाए। अब 3 वादे तो यही हमारे मन से सामने आ गए जिसकी पदयात्रा हम कर रहे हैं, 2700 रुपये क्विंटल का गेहूं खरीदनी होगी, लाली बहनों को 3000 रुपये मिल नहीं रहे, गैस की टंकी 450 रुपये में मिल नहीं रही। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान के बारे में जीतू ने बताया था, चुनाव आएगा वादे करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। हमारी खासियत ये है हम जो कहते हैं सो करके दिखाते हैं। इसीलिए साथियों मैं आपसे एक ही बात का वादा करता हूं, ये चुनाव राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से जिसमें सुषमा शामिल है उसमें लोकसभा में कौन आपका प्रतिनिधित्व करे, कौन आपकी आवाज बुलंद करे, कौन आपके हक की लड़ाई लड़े, कौन आपके पानी की लड़ाई लड़े, कौन आपकी सड़क की लड़ाई लड़े, कौन आपकी बेरोजगारी दिक्कत परेशानियों की लड़ाई लड़े,
कौन आपके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, आपके हक की लड़ाई लड़े, उसकी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सड़क सकता लोकसभा में और हर तरह से आपके साथ हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप 5 साल यदि आपने मुझे मौका दिया तो आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगा। और मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं जहां भी रहूं शाम को 4 बजे के बाद बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना पहले टाइम लिए जो मेरे घर पे आता है मेरे दरवाजे खोल देता हूं, उससे मैं आकर जो मुझसे मिलता है करता हूं। इसलिए साथियों, भाजपा कहती है रोड पर लाकर चुनाव नहीं लड़ रहे, मोदी चुनाव लड़ रहे। अरे मेरे भाई, राजगढ़ के मतदाता बहनों और भाइयों, अगर आप पर मुसीबत आएगी तो मोदी को ढूंढने जाओगे? केवल ये भावनात्मक रूप से, और वो व्यक्ति जिसने कभी किसी का वादा नहीं निभाया, अरे बाकी बात तो छोड़ो, घरवाली का वादा नहीं निभाया तो बाकी का क्या होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उनके चक्कर में पड़ने के बजाय अपना हित देखते, अपने कौन आपका भरोसा के ऊपर आपका काम करने के लिए तैयार है। मैं अपने पीछे जितने पीछे मेरे बैठे सब जमानतदार मेरे हैं, भाई हो के नहीं जमानतदार, और इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। हमारे विधान हमारे लोकसभा में खाटी समाज का गांव है। अरे लोकसभा हमारे नरसिंहगढ़ में भी बहुत है, इधर भी है, नरसिंहगढ़ में भी है, ब्यावरा में भी है, सारागढ़ में भी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि लोग कहते हैं कि साफ खाती समाज भाजपा को वोट देता है। अरे हमने तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष सौ बना दिया था, प्रदेश का नेता बना दिया, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंत्री और बने तो जी सरकार आने दो। करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ, हमारी लड़ाई आज गरीबों के लिए है। आज पूरे देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती चली जा रही है। आज बच्चों के स्कूल की फीस देने में दिक्कत आती है। आज जो कर्जा ले लिया अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसकी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इन सब बातों पर आप ध्यान देने की जरूरत है। पूरे देश में जिनके पास कुछ नहीं था वो कहां से कहां पहुंच गए। कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके पास टूटी साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज आप देख लो क्या क्या कहां पहुंच गए। लोग बाग मुझसे कहते हैं कि साहब ये चले गए वो चले गए, वो गए हैं जिनको भी धंधा करना है, ठेके लेने हैं, दलाली करनी है, जिनके ऊपर दबाव है, वो नेता गए हैं, आम जनता कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है, आजादी की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र दिलवाया, आज लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है। कभी किसी विश्व में आप लोकतंत्र देख लीजिए, कभी कोई चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा दिया गया था, लेकिन आज उन्हें बिना मतलब का जेल भेजा जा रहा है, बिना प्रमाण के जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इनको जनता ने चुनाव जीता है, मुख्यमंत्री बनाया है, और आपने हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या क्या आरोप लगाया है कि आपने 8.5 हेक्टेयर जमीन क्यों खरीदी? अब आप समझिए,
अरविंद केजरीवाल पर कोई प्रमाण साबित नहीं हुआ है, उनके खिलाफ उनको जेल भेज दिया गया। नागर के बाद 2000 रुपए जमीन होगी साहब जी, नागर के बाद 2000 रुपए जमीन होगी। देखिए मुझे बहुत लोगों ने कहा है ये रोड पर नागर जी का 2014 में उन्होंने जो अपना आय का और संपत्ति का प्रमाण पत्र दिया था वो देख लो। अब मुझे बताते हैं कि उनके पास 11 वेयर हाउस है। लोग बाग बताते हैं कि 2000 बीघा जमीन है। अब उनके नाम तो जमीन नहीं है उनके आसपास। इंदौर में अरे अब तो यहाँ के मध्यप्रदेश की बात है, मुझे तो लगता है कि मध्यप्रदेश के बाहर भी रोड पर नागर जी की संपत्ति हो गई। क्या मुझे आपत्ति नहीं है, भाग्य है उनका, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह के ऊपर न तो कोई ईडीआई है, न ईडी है, न सीबीआई है, इसलिए और आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप जांच करवा ली एक प्रमाण भी उनको पास नहीं मिला। जिसने मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया मैंने उसके खिलाफ मानहानि का दावा किया, चाहे विक्रम वर्मा जी हो, चाहे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा हो, चाहे उमा भारती हो, उन पर मेरा आज भी उमा जी पर मेरा मानहानि का दावा चला हुआ है। और 2002 से लेकर आज तक 22 साल तक वो एक भ्रष्टाचार का मेरे पे आरोप नहीं लगा पाए। इसलिए साथियों मेरा राजनीतिक जीवन 50 साल का एक खुली किताब है, आपकी लड़ाई लड़ता हूँ, आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपको वादा करता हूँ कि राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए अगर आप लोगों ने मौका दिया तो पूरी ताकत के साथ लोकसभा में, अदालत में, जमीन पर आप लोगों के साथ खड़े होकर मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश महाराज की जय। राघव जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सियाराम। मैं हमेशा बीजेपी के लोगों से कहता हूँ तुम लाडली कहना तो कहते हो लेकिन राम जी के साथ सीता का नाम छोड़ देते हो। तुम जय श्री राम कहते हो, अब जय सियाराम। बोलो जय सियाराम। धन्यवाद। कर्जू हम मैं आज कर्जू नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन चुनाव के पहले कर्जू में हम सभा करूंगा। जी तो पटवारी जी कर्जू होकर निकलेंगे और मैं कर्जू में आप सभा जरूर करूंगा। धन्यवाद।